हम लोग बहुत सी चीजें फॉलो कर जाते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते वक्त। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक लर्नर, मैं हूँ भावेश। तो चलिए हम अपने टाइटल को चालू करते हैं। आज का टाइटल है 3 मिथ्स अबाउट द टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है क्या हो सकते हैं जो आप हर रोज फॉलो करते हैं? इसीलिए ये मैंने आज के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आपने बहुत से बार एक बात सुनी होगी कि कभी भी रात को मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के ना सोइए, नहीं तो मोबाइल सुबह आप उठोगे तभी चार्जर खराब होगा, नहीं तो लाइट चल जाएगी, नहीं तो मोबाइल आपका ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो हमें मोबाइल के जब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सभी हमें वहाँ पे लिख के देते हैं वो लोग कि आपको बस इस मोबाइल को 5 घंटे के अंदर ही चार्ज करना है, 5 घंटे के ऊपर या तो मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होगी। ऐसा लिख के देते, लेकिन वैसा कुछ लिख के नहीं दिया है, लेकिन तभी भी सब लोग ऐसे मानते कि मोबाइल ज्यादा चार्ज हुआ तो फट जाएगा। ये वो फटता कि नहीं उसका बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मोबाइल के पोर्ट के यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम रहता है, मतलब मोबाइल की बैटरी एक बार 100% हो गई जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मोबाइल। वहाँ पे एक ऐसा सेंसर ही लगा रहता है, वो मोबाइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसके लिए आपका मोबाइल तो फटता नहीं और कुछ नहीं होता, बस 100% बैटरी हो जाती है, उसके बाद चार्जिंग मोबाइल आप खुद डिस्कनेक्ट कर लेता है, लेकिन ऊपर से जो सप्लाई तो वो एनर्जी भी और नहीं लेता, एक्सेप्ट ही नहीं करता और डिक्लाइन कर देता है एनर्जी को। ये हमारा पहला मिथ था। और अब हमारे दूसरे मिथ के ऊपर चलते हैं, जो है ज्यादा रैम मतलब ज्यादा स्पीड, मतलब ज्यादा रैम मतलब ज्यादा स्पीड। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने एप्पल के मोबाइल में देखा होगा, आपने बहुत से वीडियोस में कंपैरिजन वीडियो में देखा था, जब आईफोन 7 आया था, 7 प्लस 7 आया था, तब उसको 1 प्लस 3 के साथ कंपेयर किया था, मतलब इसका उल्टा था, 1 प्लस 3 आता तब उसको आईफोन 7 प्लस के साथ कंपेयर किया था। आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि एप्पल उस स्पीड टेस्ट में जीता। क्यों बताऊँ? क्योंकि रैम कभी भी मायने नहीं रखती, वहाँ पे सॉफ्टवेयर मेन रखता है। उसके एग्जांपल के लिए मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। समझे, ये एक पूरा एक रूम है, ये रूम ही है, वहाँ पे कबर्ड है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा टेबल है, मतलब वो टेबल मेरा रैम है और वहाँ पे वो सॉफ्ट कैपेसिटी है और रैम के टेबल के ऊपर ही मेरे पास सॉफ्टवेयर है। अगर मेरा काम इतने से टेबल में, मतलब 1 GB के रैम के, इसमें 1 GB के सबसे इसको 1 मीटर का, 1 मीटर भी नहीं, 12 12 भी नहीं, 100 इंच का, 100 इंच का टेबल मान के इसको 1 GB के रैम लेते हैं, मेरा 100 इंच के टेबल में काम हो रहा है तो मैं ऑल रैम की मुझे तो मेरा ऑल रैम लेना मतलब वो फालतू का मतलब खर्चा होगा, मतलब उसका कुछ यूज ही नहीं है। और अगर मेरे पास ये चार्ज, यहाँ पे 4 GB मतलब 400 इंच का एक है, तो मेरा वहां तक तो हाथ नहीं जाने वाला उतने आगे तक। अगर वहां पे अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर एकदम अच्छा है, मतलब यहाँ पे वो टेबल में जो मैकेनिज्म चलता है, मुझे वो टूल कौन से टूल्स लाने का, वो सॉफ्टवेयर समझे, मतलब वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, तो मुझे जैसे भी मुझे कौन से भी टूल चाहिए वो मुझे जल्दी ला के देगा, मतलब उसमें रैम भी यूज हो रहा है, मतलब सफिशियंट रैम लग रहा है और वो सॉफ्टवेयर का भी इसमें काम हो रहा है, मतलब जितना फास्ट मेरा सॉफ्टवेयर है तो उतना वो रैम लेगा, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर सबसे लो का है और रैम ज्यादा है तो वो रैम पूरी वेस्ट चली जाएगी, आधी रैम तो वेस्ट चली जाएगी। ये एक मिथ है, अगर आपका रैम ज्यादा है और सॉफ्टवेयर गंदा है, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत लो क्वालिटी का मीडिया टेक का है, आपका मोबाइल परफॉर्मेंस मोबाइल के ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपके पास रैम भी सफिशियंट है और सॉफ्टवेयर भी स्नैपड्रैगन 820 मतलब नोट 3 का ही ले ले, शामी रेडमी नोट 3, उसका 3 GB रैम है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उसमें, और वो गेमिंग के लिए स्पेशल यूज होता है और वो गेमिंग के हिसाब से भी अच्छा है। ये इसका प्लस पॉइंट है। अभी हम अपने तीसरे मिथ के ऊपर चलते हैं कि अभी हमारा तीसरा मिथ है कि अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके मोबाइल में नेटवर्क्स रहते, वो नेटवर्क्स में मतलब ऐसे बार्स रहते, आपने बहुत बार देखा होगा, आप बहुत बार समझते होंगे कि ज्यादा बार्स मतलब ज्यादा नेटवर्क, ऐसा कुछ नहीं रहता है, मतलब हर अलग अलग कंपनी का अलग रहता है, मतलब समझे मेरे पास एक लावा का मोबाइल है और एक सैमसंग का मोबाइल है, लावा का मोबाइल एक परफेक्ट फ्रिक्वेंसी पे चलेगा, मतलब उस फ्रिक्वेंसी पे ही एक बार आएगा, उस फ्रिक्वेंसी 2 बार आएंगे, अगर आप कितने भी पास हो, लेकिन वो जो
लेकिन वो जो है टावर के आप कितने भी पास हो, लेकिन वो जो कंपनी क्या वो उसके ऊपर होगा। और अगर आप वो बाहर से ऐसे दो मतलब एक ही सिम है और दो इससे और दो कंपनी के मोबाइल से कंपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। अगर हाँ कभी कभी बाहर बढ़ भी जाता है, अगर आप टावर के पास हो और वो और आपके पास मोबाइल है तो उसका फुल होगा, लेकिन कभी कभी उसका वन मतलब उसका 1 बार रहता है नहीं तो 2 बार रहता है। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वहां पे एक ही टावर रहता है और एक टावर पे मतलब आपके यहाँ पे 3,000 लोग एक ही साथ किसी दूसरे अपने कौन से भी दोस्त को रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं, तो वो एक टावर 3,000 कॉलिंग को संभाल रहा है, तो 3,000 कॉलिंग को संभाल रहा है उसमें आपका भी मोबाइल, सो उसकी वजह से वो पूरा रेंज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप टावर के पास हो या फिर दूर हो आपको बराबर ही रेंज मिलेगा, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो बार्स की बात रही वो तो उसके मोबाइल की कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, कितने फ्रिक्वेंसीज पे वो इतने बार देंगे, कितने फ्रिक्वेंसी पे वो 2 बार देंगे, मतलब ऐसा उनका रहता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आप स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आते हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।